आधी रात का वक्त है, पतलू सो गया लेकिन मोटू को नींद ही नहीं आ रही। मोटू सोचता है कि आज क्या कारण है जिससे मुझे नींद नहीं आ रही। मोटू उठता है और इधर उधर घूमता है और फिर घर से बाहर जाने की सोचता है, और फिर मोटू घर से बाहर निकल जाता है। मोटू घर से निकल जाता है और एक बियाबान भूतिया जंगल की ओर रवाना होने लगता है। फिर चलते चलते मोटू एक बियाबान जंगल में पहुंचता है और वहां पर एक घर बना होता है। मोटू कुछ देर रुकता है और देखता है कि यहाँ तो कोई नहीं और मैं कहाँ आ गया। फिर मोटू सोचता और फिर कहता है, पतलू 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 कहाँ गया पतलू, और मैं कहाँ आ गया। अरे अरे मैं कहाँ गया, मैं तो वहाँ अपने घर पर था। फिर मोटू पूरी तरह से घबरा जाता है और कहता है, कोई बचाओ कोई बचाओ कोई बचाओ। तभी वहाँ पर मोटू के भूतिया दानव दिखाई देता है और मोटू मोटू को भूतिया मोटू में बदल देता है। मोटू भूतिया बन जाता है और कुछ देर रुकने के बाद मोटू पतलू की ओर रवाना होने लगता है। अगला पार्ट जल्द मिलेगा, धन्यवाद। टेढ़ा वाले जंगल में एक बहुत ही भयंकर चुड़ैल रहा करती थी, उससे सभी डरा करते थे। आज मुझे लगता है कि आज मेरे पास कोई मेरी शिकार नहीं आएगी, इसलिए मुझे स्वयं ही चलकर देखना होगा कि कौन कौन मेरे लिए तैयार है। चलो चलकर देखते हैं और खाकर आते हैं। फिर चुड़ैल वहां से चल देती है। फिर यहाँ आकर हास कर हंसती और कहती है, अब आएगा मजा, यहाँ पर मिलेगा मुझे भरपेट भोजन। इस तरह से चुड़ैल बहुत ज्यादा हास कर हंसने लगती है। तभी चुड़ैल रामू पर एक जोरदार आक्रमण करती है और रामू को जमीन पर डाल देती है। रामू चिल्लाता है, बचाओ बचाओ बचाओ। इतना सुनकर वहां पर जल की रानी जल परी निकल आती है। चुड़ैल देवी, इस बच्चे को छोड़ दो, इस बच्चे ने आपका क्या बिगाड़ा है, जल्दी छोड़ दो चुड़ैल देवी, ये बच्चा छोटा है, नादान है। ए जल की रानी, जल में रहो, बाहर मत आओ, अन्यथा प्रणाम, आप जानते हो कि क्या हो सकता है, इसलिए अंदर रहो। देवी, ऐसा हमने क्या कह दिया, आप तो बहुत ज्यादा ऊंचे स्वर में बोल रही हैं, आप अपनी मर्यादा को ना उलागे, नहीं तो हम भी कुछ कम नहीं है। बातों ही बातों में दोनों में एक घोर संग्राम होने लगता है। इस तरह से जल परी चुड़ैल को मौत के घाट उतार देती है। इस कहानी से क्या मिला जरूर बता। अरे समोसे वाले भाई, जल्दी से दो दो गर्मा गर्म समोसे लगा दे यार। अरे भैया मोटू, पहले पैसे तो चुका दे यार, तूने पहले इतना ढम्मा खा लिया है, अब एक भी समोसा तुझे नहीं मिलने का, पहले पैसे दे यार, पहले पैसे भाई। अरे समोसे वाले भैया, हमने कब समोसे खाए, अरे हम तो भैया बहुत बिजी रहते, कार्टून बनावत बनावत पूरा दिन लग जाते है, तब कहूँ एक कार्टून बनते भैया, समोसे ना खा पाए। चाय वाले भैया कुछ सोचो, क्या हमारी हमशक्ल में कोई और तो नहीं आया, कुछ सोचो भाई। तभी चाय वाला भाई सोचने लगता है और फिर उसे कुछ आइडिया आता है। हाँ बतलू भाई, कुछ फुरफुरी नगर में चल रहा है, तुम्हें उसका पता लगाना होगा, तुम्हारी हमशक्ल कोई इस पृथ्वी लोक पर घूम रहा है। मोटू मेरे भाई, अब हमें सावधान रहना होगा, फुरफुरी नगर में कोई हमारा नाम लेकर नुकसान कर रहा है और उसकी भरपाई हम करेंगे, हमें उसको पकड़ना होगा, हमसे बचने वाला कोई नहीं है। चलो मोटू, चलकर देखते हैं कि कौन है वो साथी दुश्मन। मोटू मेरे दोस्त, जल्दी चलो और पकड़ते हैं जिसने हमारा नाम बदनाम किया है, उसको नहीं छोड़ेंगे आज, जल्दी चलो। पतलू मेरे दोस्त, परेशान मत हो, आज उसे नहीं छोड़ेंगे जिसने हमारा नाम लेकर बहुत बुरे बुरे काम किए हैं। हाँ और मोटू, उसे इतनी सजा देना कि वो जीवन भर याद रहे कि मोटू पतलू से पंगा लेना कितना भारी पड़ सकता है। रुको मोटू, मैं भी चलता हूँ, मेरी बात का पालन करना, थोड़ा सावधान और सावधानी पूर्वक आक्रमण करना। पतलू मेरे भाई, आज नहीं छोड़ेंगे, जो भी है सामने आए, मैं आज उसको नहीं छोड़ूंगा पतलू, मुझे बहुत आ रहा है पतलू।
मोटू पतलू आपस में बातें ही कर रहे होते हैं, तभी वहां पर भूतिया मोटू आता है और मोटू से कहता है, हे मोटू, मैं एक भूतिया मोटू हूँ, मेरे सामने और मेरे घर को छोड़कर चले जाओ, अन्यथा तुम्हारा बहुत बुरा हाल मुझे करना पड़ेगा। अच्छा तो तुम हो वो भूतिया मोटू जो मेरे और गांव पर आक्रमण कर मेरे नाम को बदनाम कर रहा है। अब तू नहीं बचेगा भूतिया मोटू, नहीं बचेगा अब तू। मोटू मेरे दोस्त, इसको इतनी बुरी सजा दे, इतनी बुरी सजा दे कि ये फुरपुरी नगर में कभी भी अपना पैर ना रखे। खा समोसा और हो जा शुरू, मचा दे बवंडर। फिर मोटू भूतिया मोटू पर आक्रमण करने लगता है, लेकिन भूतिया मोटू अदृश्य होकर मोटू के पीछे हो जाता है, लेकिन मोटू कोशिश कर उसे मारता रहता है, मारता रहता है। आखिरकार मोटू जीत ही जाता है और उसको खदेड़ देता है। पतलू मेरे दोस्त, अब हम और हमारा परिवार और हमारा गांव सब सुखी रहेगा, क्योंकि अब यह भूतिया दानव हमारे गांव पर कभी भी आक्रमण नहीं कर पाएगा। चलो चलकर फुरपुरी नगर के सभी गाँव वासियों को यह सूचना देते हैं, हमारा रूप लेकर कोई और गांव में आया था। इस पर बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो मोटू पतलू रोबो बॉय की, मोटू पतलू की कार्टून देखने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें। दादाजी जल्दी मोटू को बचा लो दादाजी, मोटू एलियन बन गया दादाजी, अब तुम ही कुछ कर सकते हो, जल्दी से जादुई डंड को तैयार करो, नहीं तो मैड मैक्स आ जाएगा दादाजी, कुछ करो दादाजी, जल्दी कुछ करो दादाजी, बहुत जल्दी से। बेटी इमली अब परेशान मत हो, हमारा जादुई डंड बिजलीधारी चक्री डंड जल्दी तैयार होने वाला है, अब मैड मैक्स को इससे कोई नहीं बचा सकता, मैड मैक्स मारा जाएगा, मोटू सही होगा, बेटी चिंता मत करो। बचा लो दादाजी, मेरे पतलू डॉक्टर जैसे झटका तो सब छूट गए दादाजी, अब तुम ही मुझे बचा सकते हो दादाजी, बचा लो मुझे, बचा लो। वहीं खड़ा मैड मैक्स यह सब सुन रहा था और आ जाता है, दादाजी में लात घूंसा मार दादाजी को मार देता है। यह हाल देखकर इमली बहुत घबरा जाती है और फिर वीर के पास जाने लगती है, और मोटू अपनी बातों में लगा रहता, मोटू कुछ पता न चलता। जो कार्टून आपने देखी है उन कार्टून को आप फ्री में बना सकते हैं, हम अपने चैनल पर आप सभी के लिए फ्री में कार्टून वीडियो बनाना सिखाते हैं, वो भी मोबाइल से। यदि आपको मोटू पतलू और वीर वर्ड कार्टून, मोरल कार्टून, हॉरर कार्टून फ्री में सीखनी है तो भैया चैनल से जुड़ जाइए, जल्दी से हम अपने आपके लिए बहुत धमाका कोर्स लाने वाले हैं, जल्दी इस चैनल से सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़ जाइए, कोर्स को मिस मत करिए, मत करिए, जुड़ जाइए मेरे दोस्त, जुड़ जाइए। जी मेरे पतलू डॉक्टर जैसे झटका तो सब छूट गए दादाजी, अब तुम ही मुझे बचा सकते हो दादाजी, बचा लो मुझे, बचा लो। वहीं खड़ा मैड मैक्स यह सब सुन रहा था और आ जाता है, दादाजी में लात घूंसा मार दादाजी को मार देता है। यह हाल देखकर इमली बहुत घबरा जाती है और फिर वीर के पास जाने लगती है, और मोटू अपनी बातों में लगा रहता, मोटू कुछ पता न चलता। रॉबर्ट बॉय बचाओ, रॉबर्ट बॉय बचाओ, रॉबर्ट बॉय बहुत बुरा हाल हो गया, रॉबर्ट बॉय, रॉबर्ट बॉय बचाओ, रॉबर्ट बॉय बचाओ, रॉबर्ट बॉय। अरे इमली क्या हुआ, कुछ बोलो भी तो सही, कुछ बताओ क्या हुआ, क्या हुआ जल्दी बोलो, कुछ बताओ तो सही, क्या हुआ, क्या हो गया जल्दी बताओ, और आप दादाजी कहाँ हैं, दादाजी कहाँ हैं इमली? गजब हो गया रॉबर्ट भाई, गजब हो गया, मैड मैक्स ने दादाजी पर आक्रमण कर दादाजी से जादुई डंड और दादाजी को मार डाला, रॉबर्ट मार डाला, बचा लो मैड मैक्स को, मार दो रॉबर्ट, मार दो। यह बात सुन रॉबर्ट गुस्से में लाल होकर मैड मैक्स को ढूंढने निकल जाता है, उसके पीछे पीछे इमली भी। ढूंढते ढूंढते रॉबर्ट एक बियाबान जंगल की तरफ जाने लगता है, तभी उसे थप थप की आवाज़ सुनाई देती है, तभी उसके सामने मैड मैक्स आता है और रॉबर्ट से कहता है, ए नादान बालक, कौन है और मेरा रास्ता रोकने का दुस्साहस किया,
चला जा मेरे रास्ते से, अन्यथा तुझे कोई नहीं बचा पाएगा, चला जा। मेरा ही नाम रॉबर्ट बॉय, मैं ही तेरा काल हूँ मैड मैक्स, अब तू मेरे हाथों से नहीं बच पाएगा। मेरा जादुई डंड हमें दे दे, अन्यथा हमारे तुम्हारे बीच महायुद्ध होगा, युद्ध होगा। फिर दोनों में घोर युद्ध होने लगता है, कभी वीर रॉबर्ट तो कभी मैड मैक्स। दोनों का युद्ध बहुत ही विशाल होने लगता है, धरती आसमान बहलने लगते हैं, ऊपर पृथ्वी तैरने लगती है, लेकिन युद्ध रुकने का नाम नहीं लेता है। आखिरकार रॉबर्ट बॉय जीत ही जाता है और जादुई डंड लेकर अपने दादाजी को बचाने के लिए जाने लगता है। कहानी कैसी लगी जरूर बताना।